मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़ा इन्वेंशन है वो पहिया है। ये पहिया बना तो बहुत सारी मशीनें बनी हैं दुनिया में। जो पहिया नहीं होता तो दुनिया में कोई मशीन नहीं थी। और पहिए का आविष्कार भारत में हुआ है, यूरोप में नहीं हुआ है। यूरोप के वैज्ञानिकों ने ये मान लिया है कि हमारे यहां तो पहिया 250 साल से आया, लेकिन भारत में तो पहिया तब से है जब से भारत है। आपने वो देखा है अशोक चक्र, वो पहिया ही और अशोक के समय से है। और अशोक आज का नहीं है, आज से लगभग 2500 साल पहले का है। और भगवान कृष्ण के हाथ में भी पहिया ही है जिसको सुदर्शन चक्र कहते हैं, वो तो 5000 साल पुरा। और विष्णु जी के हाथ में भी पहिया ही है, विष्णु जी कृष्ण से और 5 लाख साल पहले थे। माने पहिए का आविष्कार इसी देश का है। लेकिन हमने क्या किया है, पहिए में स्पीड ना आए ज्यादा तो उस पहिए से बैलगाड़ी बनाई और यूरोप में उसी पहिए से जेट प्लेन बनाए। अब हमने क्या कहना शुरू किया, देखो जी वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, उन्होंने पहिए को हवाई जहाज में लगाया, हवाई जहाज बनाया। और हम इतने मूर्ख हैं कि पहियों को बैलगाड़ी में बनाया, वो धीरे धीरे चलती रहती। एक बार मैंने ये बात समझने के लिए बैलगाड़ी चलाने वाले एक किसान को पूछा कि भाई आप इस बैलगाड़ी में चलते हो, मुश्किल से 15 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से ये चलती है, आपका काम बहुत देरी से होता है, आप ऐसा करो ये बैल को हटा दो, ट्रैक्टर लगा लो या तो कुछ और कर लो, पहिया आपका मशीन से चले वो अच्छा होगा। तो उस किसान ने मुझे पूछना शुरू किया कि मान लो मैं ऐसा करूं कि मेरा पहिया तेज चले तो मेरी गाड़ी तेज चले तो होगा क्या इससे। मैंने कहा आप जल्दी जल्दी सामान लाएंगे ले जाएंगे। तो फिर कहने लगा और क्या होगा फिर उससे, तो मैंने कहा आपको बहुत पैसा मिलेगा। अभी आप बैलगाड़ी में 1 टन माल भर के सवेरे निकलते हो, शाम को बाजार में पहुंचते हो, फिर वापस उसी दिन आते हो। अगर आपके पास पहिया मशीन से चलने वाला हो गया तो दिन में 50 चक्कर लगा सकते हो, ज्यादा माल बेच के ज्यादा पैसा ला सकते हो। फिर उसने कहा ज्यादा पैसा लाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ज्यादा पैसा लाओ तो घर में मजा करने की चीजें खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, इलेक्ट्रॉनिक ओवन खरीदो, और ये सब खरीद खरीद के पैसा खर्च करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बिस्तर पे सो, तो फिर क्या होगा, उसने पूछा। फिर मैंने कहा आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो उसने कहा अभी भी मुझे सुख